नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट मिंट, जो हैदराबाद की वैकेंसी आई हुई थी उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस बाकी है, इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है और हमारे कैंडिडेट भी यहाँ से सेलेक्टेड है। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब ज्वाइनिंग होगा तो उनका इंटरव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को यानी मिंट का जो रिजल्ट है उसको देखने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। जैसे अभी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, एएलपी और टेक्नीशियन में, उसके लिए इजीवे कोचिंग की तरफ से ऑफलाइन न्यू बैच 15 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें अगर देखें तो जो न्यू कैंडिडेट इसमें रजिस्टर्ड होंगे, अगर पूरा फुल कोर्स लेते हैं, फुल कोर्स इन द सेंस मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पार्ट यानी CBT 1 CBT 2, तो उस पर उनको 1,000 का ऑफर दिया जा रहा है। बाकी जो पहले से गर्ल्स हैं जो इजी वे कोचिंग के माध्यम से चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जुड़ी हुई थी, पढ़ी हैं, उनके लिए ये 100% फ्री ऑफलाइन क्लास है। तो सीट लिमिटेड है, रजिस्टर कर सकते हैं। जो पहली से पढ़ी हुई गर्ल्स कैंडिडेट है, कोचिंग की कैंडिडेट है, उनके लिए। बाकी न्यू कैंडिडेट के लिए ऑफर बता ही दिए, समझ में आ रहा चीज। अब यहाँ पर अगर देखें तो इससे बहुत पहले अगर देखोगे तो पुराना जो कैंडिडेट था इजी में कोचिंग के माध्यम से चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ा था, वो बॉयज जो थे उनके लिए ऑफर दिया गया था। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो ये नया बैच, इसमें अगर देखें इंक्वायरी के लिए तो ये कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉलिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इसके लिए। नहीं तो ऑनलाइन बैच भी 15 फरवरी से ही आ रहा है, तो उसके लिए भी अभी दिखाते हैं। उसमें ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर में डालेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा लोगो, इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके उसमें देखेंगे तो सारे कोर्सेज इस तरीके से दिख जाएंगे। इसके बाद अगर देखें नेक्स्ट जो है ये ऑनलाइन न्यू बैच यानी नया बैच ऑनलाइन भी 15 फरवरी से ही आ रहा है। तो जो कैंडिडेट घर से पढ़ना चाहते हैं वो अपने अनुसार कोर्स को सेलेक्ट करके और पढ़ सकता है। इसमें जो अलग अलग ट्रेड होगा, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, जो चाहे कैंडिडेट तो केवल ट्रेड ले सकता है, या फुल सिलेबस चाहिए तो फुल सिलेबस ले सकता है। रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए ये हर एक तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए देखोगे तो इसमें ढेर सारा चीज है जो फ्री में है। स्टडी मटेरियल, लाइव लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, प्लस में फुल सिलेबस का लेक्चर वीडियो अवेलेबल है उसमें। यानी बहुत सारे चीजें हैं, 7 से 8 हजार से अधिक क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार कंटेंट है। क्योंकि अभी हाल के दिन में देखोगे तो जितना भी रिजल्ट हुआ है ना, जैसे बार्क में देखोगे तो थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ, बहुत प्रचुरता में हुआ है, एबंडेंस, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। डीआरडीओ में इसी तरीके से अभी लेटेस्ट देखोगे बीएसएससी का आया रिजल्ट, उसमें स्किल टेस्ट लिए 6 से 7 स्टूडेंट हमारे हैं। इसी तरीके से अभी सेल इससे पहले आया था उसमें ज्वाइनिंग भी कर लिया है, एनपीसीआईएल ज्वाइनिंग कर लिया है। अभी मिंट का जितना है, मिंट मुंबई, अभी हैदराबाद के बारे में बताने वाले हैं, इसमें भी हमारे कैंडिडेट हैं। तो शानदार कंटेंट रहता है, आप लोग पोस्ट में देखे होंगे, चाहे यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट है या अगर फेसबुक से जुड़े हैं तो फेसबुक पर ही देखोगे तो ढेर सारा भरा हुआ है जब भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो चाहे इंटरव्यू वीडियो हो या पोस्ट हो। अब यहाँ पर 15 फरवरी से तो ये बैच, उसके बाद देखोगे तो 16 फरवरी को ये महासेमिनार है। कोई भी बैच स्टार्ट होता है सबसे पहले सेमिनार है, इसमें सारा चीज बताया जाता है कि अलग अलग कहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं, आपके लिए कौन कौन सा सेक्टर ये फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, कैसे पढ़ाई करना है, ये सारा चीज बताया जाता है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन सेमिनार है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इजी वे ग्लोबल ऐप को डाउनलोड करके और इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो मेरा चीज। अब यहाँ पर देखिए ना, अगर ऑफलाइन सेमिनार को जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा यानी पटना सेंटर पर जो आएगा ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन क्लास करने के लिए या सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए, तो
इसके साथ ड्राइंग और साइंस का ये जो कोर्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का जो कोर्स है, जिसका प्राइस 3,000 है, उसको ये फ्री में मिलेगा, 500 में मिल जाएगा। सो मेरा चीज, बाकी ये कॉलिंग नंबर है, ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ये सारा चीज़ बता दिए हैं, और ये अलग अलग ट्रेड अवेलेबल है, तो वहाँ पर जा करके विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हम लोगों का मुख्य विषय है, मेन मुद्दा है, उस पर आते हैं हम लोग और उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो ये IGM इंडियन गवर्नमेंट मिंट है, इसके तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, पहले उसको देख लेते हैं, किस स्टेट में कितना सीट था और उसी का रिजल्ट दिया गया है। इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं, किस तरीके से है इसमें सारा चीज़। अगर यहाँ पर देखें, भारत सरकार टकसाल इंडियन गवर्नमेंट यानी मिंट, ये कहाँ का था? हैदराबाद। इससे पहले मुंबई का हो चुका है, ज्वाइनिंग भी करा चुका है। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए जो पोस्ट है वो सभी के लिए इसमें दिया हुआ है, इस कॉलम के अंदर में। ये कब वैकेंसी आया था पहले इसको देख लीजिए, ये सितंबर में भरा गया था फॉर्म, सितंबर 2023 में, और अब इसका रिजल्ट दे दिया है। अब यहाँ पर देखें तो अलग अलग ट्रेड के लिए, जैसे फाउंड्री मैन, इसी तरीके से सभी ट्रेड का दिया है। इसमें अगर फीटर की बात करें तो देखिए, यहाँ पर फीटर का जो पोस्ट था, टोटल पोस्ट कितना था, 20, तो 20 छात्रों का इसमें फाइनल रिजल्ट दिया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये लोग ज्वाइन करेंगे, इसमें स्किल टेस्ट तो है नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं, तो जो एग्जाम हुआ था ना, एग्जाम कब हुआ था और इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या पूछा गया था, तो मैक्सिमम ट्रेड थ्योरी का ही वेटेज रहता है। अगर ITI क्षेत्र में टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम ट्रेड थ्योरी, यानी फीटर जिसका है तो फीटर का, टर्नर है तो टर्नर, मशीनिस्ट तो मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है और उसी पर, उसी का वेटेज ज़्यादा भी है इसमें। अगर देखोगे तो 60% ट्रेड थ्योरी का है और बाकी अगर देखें तो 30% जो था वो नॉन टेक्निकल पार्ट। तो 30 में कौन कौन सा था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट एंड पोस्ट कोड, और यहाँ पर ही ये देखें तो ये एग्जाम टेस्ट नेम, और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन कितना दिया था, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, यानी इच सेक्शन में, दो सेक्शन में, पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए में जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, बेसिक साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी, यानी रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारा चीज़, जनरल अवेयरनेस। ये टोटल कितना, 30 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 30 नंबर का, कितना समय दिया, 30 मिनट। बाकी ये पार्ट बी है ना, ये मेजर रोल निभाता है इसमें, टेक्निकल सब्जेक्ट। यहाँ पर देखें जो भी जिसका ट्रेड है, फीटर वाला है तो फीटर संबंधित, टर्नर है तो टर्नर संबंधित, टोटल 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन जो था 30 था तो एक एक मार्क्स का है, लेकिन ये एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। तो यहाँ पर इसके लिए 60 मिनट, 60 और 30 टोटल टाइम जो है 90 मिनट है और टोटल मार्क्स जो है 150। अब 150 में कितना कट ऑफ गया है, किसका किसका सिलेक्शन हुआ है, उस लिस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये चीज़ था, पूरा डिटेल से इसके बारे में जानकारी रखो, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है ये PSU की। और इसमें अगर देखें तो स्किल टेस्ट नहीं है, स्किल टेस्ट नहीं है तो रिटेन अगर निकालते हो तो काम हो जाएगा, समझ में आ चीज। अब ये लिस्ट है और लिस्ट को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं, आखिर इसका अगर कोई कैंडिडेट PDF डाउनलोड करना चाहता है या रिजल्ट देखना चाहता है तो कैसे डाउनलोड करे, कैसे रिजल्ट देखे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल सा गूगल क्रोम में आपको डालना है मिंट हैदराबाद, MINT मिंट हैदराबाद, डालोगे तो ये आ जाएगा, ये पहला ऊपर वाला है ना, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल गया। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद ये कैरियर है ना, कैरियर में क्लिक करना है, कैरियर में क्लिक करेंगे तो ये आगे आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अगर देखें कैरियर में तो यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पे यही था एडवर्टाइजमेंट नंबर 02-2023। यहाँ पर अगर इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट और सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में एडवर्टाइजमेंट ये। अब यहाँ पर नीचे देखें चौथा में, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी हेल्ड ऑन 15-2-2024 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस पर आएंगे हम लोग। अब अलग अलग ट्रेड के लिए जो था ना, जैसे फिटर का कोई कैंडिडेट डाउनलोड करना चाहता है, इस पर क्लिक करेगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा।
डाई मेटल, उसके बाद केमिकल प्लांट, यानी जो जिसका ट्रेड है उस पर क्लिक करेगा तो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? तो ऐसे डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद अगर आगे चलें तो आगे की तरफ देखें तो ये रिजल्ट दिया है। अब देखो इसमें इसमें ईजी पे कोचिंग के ढेर सारे स्टूडेंट, इंडियन गवर्नमेंट मिंट, अगर यहाँ पर देखें तो ये नोटिस दिया हुआ है। टोटल जो कैंडिडेट थे इसमें कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे थे इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। टोटल देखोगे तो 2822 कैंडिडेट फॉर्म भरे थे और इसमें एग्जाम में अपीयर कितना हुआ था तो 2012। और 2012 में अगर फीटर ट्रेड का ये रिजल्ट है देखोगे यहाँ पे, तो ये फीटर का है। 2012 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, अपीयर हुए थे, इसमें से मात्र 20, समझ लो कितना लेवल है, 20 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है 2012 में से। और इतना हाई एक्यूरेसी के साथ, हाई लेवल के साथ और बेहतरीन कंटेंट के साथ ईजीवी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, इसमें भी कैंडिडेट बाजी मार गया है हर जगह। ये नहीं 7 सीट 3 सीट 5 सीट 2 सीट जहां भी रहेगा ना, हर जगह सिलेक्टेड है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बाकी नहीं है, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, सेल हो, बार्क हो, मिंट हो, एनएफसी हो, एनपीसीआईएल हो, नाम लेते लेते थक जाओगे, जिसका नाम लोगे उसमें कैंडिडेट है। और अभी जितना वैकेंसी आ रहा है ना लगातार टेक्निकल का, हर एक में, चाहे एक पोस्ट हो, दो पोस्ट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब में लगातार सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखो ये कैंडिडेट का नाम दिया है, रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, इसमें सिलेक्शन हुआ है। इसमें ढेर सारा कैंडिडेट है हम लोगों का, और इसका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ना तो इसका इंटरव्यू वीडियो लाएंगे हम लोग, तो वो देख सकते हो। ठीक, इससे पहले मुंबई में कैंडिडेट जो था उसका इंटरव्यू वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसके यूट्यूब सेक्शन में उसको डाल दिया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। टोटल देखें तो 20 कैंडिडेट का नाम दिया है, 20 सीट है तो 20 का, बाकी अगर देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ किसका कितना है ये देख लेते हैं। तो जैसे जनरल है, टोटल जनरल में 10 पोस्ट था, यहाँ पर अगर देखें तो जनरल का कट ऑफ कम गया है 137। अब देखो ओबीसी एनसीएल का 140 चला गया, किसमें, आउट ऑफ 150, इसलिए बताए थे इतने मार्क का था ये, इसीलिए बताए थे 150 में 137 जनरल का, 140 ओबीसी का, तो समझ सकते हो इतना हाई लेवल का तैयारी करता है ईजीयू में स्टूडेंट, तिल निकाल कर रख दिया एग्जाम का। ईडब्ल्यूएस का अगर देखोगे तो 133, एससी का 136, और एक्सईएसएम का अगर देखोगे तो 108, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का 116। तो मेरा चीज, तो इस तरीके से इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो डेट ध्यान रखना है। कोई कैंडिडेट अगर रिजल्ट को नहीं देखा है तो यहाँ से देख सकते हो, इसको ध्यान में रख करके सारा चीज बता दी कैसे डाउनलोड करना है। 15 फरवरी 2024 को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, सर मेरा चीज। और जो भी कैंडिडेट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ना, उसके ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल चला जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, उसको कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना है, वो सारा उस लिस्ट रहेगा, वो सब लेकर के जाना है, कितना फोटो कॉपी लेकर के जाना है, कितना फोटो लेकर के जाना है, ये सारा वहाँ पर मेंशन रहेगा। तो आज यही बताना था इन्फॉर्मेशन, आज इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।